तो ये यू माइट हैव सीन पिछले एपिसोड में बंदूक तो हम ले आए थे, अब इसको बस फाइनली जो है स्कोप लगा के तैयार व्यार कर रहे हैं, कुछ शॉट ले रहे हैं, निशानेबाजी करनी है और इस बंदूक की थोड़ी सी रेंज, पावर और अलग अलग चीज़ों पे इसका असर टेस्ट कर लेते हैं। मगर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट सेफ्टी इज पैरामाउंट और हमने पूरी प्रॉपर टेस्टिंग करने के लिए भी एक मेकशिफ्ट रेंज बना ली है जिसके अंदर कोई भी पैलेट जो है वो इधर उधर ना आ जाए और सेफ्टी की पूरी प्रिकॉशंस रखते हुए ज़रा धाएँ धाएँ कर दी जाए। अबे क्या नहीं ले गई बोतल? कोरोना ट्रैवल बैन के दौरान कनाडा के गांव में फंसे होने पर जहां पड़ोसी इस टाइम समर में तरह तरह की बोट सामने लेक में चलाते हैं, वहीं अपनी जुगाड़ू शूटिंग रेंज बना के अपने भांजे के साथ छर्रेबाजी करता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। अब जी ये बहू जी कह रहे हैं कि ये मेरे बड़े निशाने बाज हैं, तो इनकी गलतफहमी भी दूर करनी है। ये जो बोतल बोतल आप 2 लीटर की उड़ा देते हो ना दूर से, उसको कोई निशानेबाजी नहीं कहते। आप बड़ा भाई यार, मैंने छर्रा मारा, छर्रा साइड से निकल गया, टच करता हुआ एक बार बाउंस साइड से निकल गया ना, साइड से करता हुआ बोला, टच करता हुआ सेंटर में लग रहा जीत फटी, दूसरा मारा बोतल फटी नहीं। पर कोई बात नहीं, अभी ना असली गणित तब होती है और बंदूक की एक्यूरेसी भी तब होती है जब आपके पास स्कोर नापने वाला टारगेट हो। वो अपन वहां लगाते हैं अभी जाके, मगर क्योंकि अभी अपने पास रेंज सेट नहीं है, सेफ्टी इज स्टिल पैरामाउंट और एनवायरमेंट में छर्रे नहीं जाने चाहिए, ये लेड के होते हैं, तो इसलिए हम कुछ ना एक होममेड जुगाड़ सा सेट करते हैं जिसके पीछे छर्रे जाके लगे तो कलेक्ट भी हो जाए, क्योंकि भाव जी 2 रुपए का एक पैंदा थे तो, और 2 रुपए का, हाँ 2 रुपए सुनने में सस्ते लगते हैं। नहीं मैं वैसे 2 रुपए का पड़ते हैं यार, अब ये $15 का एक है, ये $15 के 400 है तो इसीलिए महंगे काफी हैं। तो अब इनको सेट करना है वहां पे जाके ऐसे कि छर्रे भी कलेक्ट हो जाए, छर्रे डिस्ट्रॉय भी ना हो, टेढ़े भी ना हो, क्वेश्चन भी बन जाए और टारगेट की गणित भी आ जाए, वो उसका हमने कुछ जुगाड़ सोच लिया है। देसी बंदा जुगाड़ कर ही लेता है। तो जी प्लानिंग अपनी कुछ ऐसी है कि वो सामने बालकनी है और वहां से अपने निशाना लगाने को 50-60-70 गज का डिस्टेंस तो होगा, हमारे डिस्टेंस की कैलकुलेशन थोड़ी सी पुअर है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। कुर्सियां यहाँ पे सेट कर दी हैं, इनके ऊपर लगेंगे कार्डबोर्ड जिसके ऊपर हम टारगेट मार्कर लगाएंगे। इसने मुझे 25 साल में पहली बार मामा जी कहा है। कार्डबोर्ड से छर्रा चीर जाएगा मेरे ख्याल से तो। नहीं यार डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 495 FPS की गन है फिर आपके पास। बात भी ठीक है यार, और अगर ये चीर गया, अगर इस पे निशान पड़ा तो लैंडलॉर्ड से पंगा हो जाएगा फिर, पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए फिर एक काम करते हैं, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, कार्डबोर्ड के पीछे अपन एक और सेफ्टी लेयर लगाते हैं, कुछ चद्दर बड़ी है फालतू अपने पे, डुवे कवर एक चद्दर है मेरी डबल साइडेड वो लगा देते हैं बस ठीक है। उसके 2 एडवांटेज होंगे, एक तो ये चिरने से बच जाएगा, दूसरा अगर चद्दर लगा दे तो छर्रे इसी में कलेक्ट हो जाएंगे और खराब भी होंगे, तो ये कुशन की लेयर बन गई। कार्डबोर्ड चीरेगा, चद्दर पे अटक जाएगा, पीछे कुशन है, छर्रे खराब होने से बच गए, रीयूज हो पाएंगे एज लॉन्ग एज पीसेस टुंडे ना हो जाए। तो जरा सेट किया जाए फिर, ये रो जी चादर लो नी लगाओ चलो इतना सियाना है शाबाश शाबाश, ऐसा लग रहा है डूम खेल रहा हूं मैं। अब वैसे ये पत्थर पड़े हैं ना, ये पत्थर भी इस पर रख देते हैं ताकि थोड़ा जो है वजन रहे इस पर, हवा से उड़ना जाए, छर्रे जो है ना पीछे नहीं जाने चाहिए कि पानी में जाए, गंद में जाए, हर जगह।
तो वैसे तो हम ये निशाना मिस नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर कुछ मिस हो जाए तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन पीछे, जो वो उसके पुराना कोई कार्डबोर्ड का पड़ा हुआ ना वेस्ट फेंकने के लिए, वो रख लेते हैं। मच्छर खा रहे हैं, मच्छर बहुत यार, आ जा। पहले लिटा ले, मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ। हाँ बचा के भैया बचा के, ये काम बड़ा जरूरी है। एक तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो छर्रे पीछे जाने से बच जाएंगे, दूसरे जो इसमें लगेंगे उसे ही समझ आ जाएगा ये लकड़ को, इस बोर्ड को चीर पाते हैं कि नहीं। अब जी ये जो आइटम है ना, इसके बेसिकली दो मेन फायदे होते हैं। एक तो ये कि ये पता लग जाएगा कि असल निशानेबाज कौन है, क्योंकि इस पर स्कोर कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो मेन फायदा है वो ये है कि गन को जब आप नए नए लेके आते हैं ना, तो उसके साइड सेट करनी होती है, और वो सेट करने के लिए जब पता लगता है कि छर्रे कहाँ लग रहे हैं, आप सेंटर की एम करते हैं और अगर साइड पर लगता है तो इसका मतलब छर्रा सही नहीं है। वो काम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कोई भी गन यूज़ करनी शुरू करने से पहले। हाँ जी सर, यस वी आर रेडी। पहला छर्रा जो है ना, ऐसा आप ऊपर से जाके चलाओ, मगर स्कोर काउंट होना शुरू हो जाएगा। गेम ऑफ फाइव खेलेंगे, और इसके बाद जब ये चलता है तो मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेसी की कैसे चेकिंग करते हैं वो भी, ठीक है? आप ज्यादा जाइए, पहले शॉट पे ट्राई शॉट, ट्राई शॉट नहीं, कोई ट्राई नहीं है, आया बड़ा चैंपियन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अपने वाले पे लगा, एम फॉर द सेंटर येलो, सॉरी ऑरेंज। बट शॉट लेने से ठीक पहले ही हम सेफ्टी ट्रिगर को डिसएंगेज करते हैं। अब जी गन की साइड जिस सेटिंग पे आई थी उसी पे सेट है, और बाबूजी छर्रा चलाने वाले हैं, सेंटर का एम लेके देखते हैं कहां लगता है। हाँ जी, रेडी फॉर योर फर्स्ट शॉट? यस रेडी। ओके, फायर इन द होल। सेंटर की शॉट ली है, निशाने का पता नहीं, मगर ये यहां आके लगा है, अभी बाकी देखते हैं। अब ये जी फंडामेंटल जो है ना, इसको कहते हैं ग्रुपिंग। कहने का मतलब है छर्रे सेंटर में नहीं लगे हैं मगर एक ही जगह पे लगे हैं, इसका मतलब इसका निशाना टाइट था, मगर गन का स्कोप जो है वो थोड़ी हमको साइट जो है लेफ्ट में एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि अगली बार यहाँ लगे। मगर अब मैं कर लूँगा तो कॉम्पिटिशन अनफेयर हो जाएगा, बट हम फिर भी थोड़ा सा उसी साइड के साथ लगाते हैं। कहने का मतलब है गन की पावर और वेलोसिटी हर चीज़ एक्यूरेट है, क्योंकि ज़्यादातर शॉट एक ही रेंज में लग रहे हैं, बस अब एडजस्टमेंट का मैटर रह गया। उसके बाद ये 5 शॉट का एक कॉम्पिटिशन है, उसके बाद फिर अपना थोड़ा चीजें तोड़ते फोड़ते हैं ना, कुछ किन स्टैंड वो निकालो यार, एरिएटेड ड्रिंक का कैन लगा देंगे, कैन मैन लगाओ, कुछ बोतल शोतल लगाओ, देखो पार हो रहे हैं कि नहीं। इसके बाद मेरी बारी थी और टारगेट सेट थे। वैसे जो आपने टोपी पहनी है, You mean champion की? हाँ, ये आपके सिर पे शोभा नहीं देती, जरा उतार के हमें दीजिए ना। वो तो हमें स्कोर बताएंगे कि किसके सिर पे शोभा देती है ये। टोपी तो दे।
अब बेसिकली ये जो पिस्टन है ना, जो उसका फायर करता है, वो स्प्रिंग का नहीं, वो गैस का, नाइट्रो गैस पिस्टन। और यही दो मेन टेक्नोलॉजीज होती हैं इसको प्रोपेल करने के लिए। मगर आपके लिए जो चीज़ समझनी ज़रूरी है वो ये है कि जब आप स्प्रिंग को ऐसे पीछे करते हैं ना, तो जब उसकी टेंशन क्रिएट होती है, उसका प्रेशर सिर्फ 80 PSI होता है। यानी कि जो हमारी गाड़ी के टायर का प्रेशर है, वो प्रेशर ही तकरीबन आप ये मान लीजिए सिर्फ 30 या 32 के करीब रहता है, तो उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। मगर जब वो स्प्रिंग छूटती है या गैस का पिस्टन छूटता है, तो इतनी तेज़ी से आगे जाता है कि इसके आगे कॉक टाइप चीज़ लगी होती है, जो हवा होती है कंपार्टमेंट के अंदर उसको बहुत तेज़ी से कंप्रेस करती है। और वो जब कंप्रेस होती है तो प्रेशर बन जाता है 1500 PSI का, जो छर्रे को अपनी जगह पे रहने नहीं देता और वो आग की तरफ धकेलता है। इसमें छर्रे से कोई चीज़ टकराती नहीं है, सिर्फ हवा होती है। और ये जो नाइट्रस वाली है ना, नाइट्रो पिस्टन गैस वाले, इनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी कम होती है, इनकी ऑयलिंग कम करानी पड़ती है, थोड़े से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। बट अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। खैर, टेक्निकल बात ज़्यादा हो गई, अब जरा शूटिंग पे आ जाए। बाकी एक मच्छर बहुत आ रहा है यार ये फ्रेम में। और टोपी के साथ मेरी सेटिंग ठीक बैठ नहीं रही थी वैसे। हाँ जी, फिर आपका भी जलवा देखा जाए अब। हाँ ठीक है, जलवा तो दिखा रहा हूँ, तू साइड हो जा, तेरे पे ना चल जाए जलवा। नहीं, मेरा तो कोई नहीं, कहीं आपका जलवा आपके फोन पे ना चल रहा है, इधर ही पड़ा हुआ है। अरे निशाने की चिंता नहीं, चलो फिर फायर इन द होल। एंड ये दी इनका निशाना, बिल्कुल वही जहां मेरा पहले लगा था। बॉटम राइट मार रही है गन। बॉटम कम राइट ज्यादा, बॉटम थोड़ा कम राइट ज्यादा। हवा चल रही है, हवा को काउंट इन करना पड़ेगा। कितनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, पता कुछ नहीं। सेकंड वाला भी आपको ऑरेंज में लगा है। अच्छा दिखा है तेरे को, यही प्रॉब्लम है, इतनी दूर है ना, यहाँ से नजर नहीं आता, तो इसलिए अब हम रिएक्टिव टारगेट लेके आएंगे। बट कुछ लाए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, मगर अभी पहले जरा गन की सेटिंग कर लें। ओ, तेरे को ना बड़ी अंडी एडवांटेज हासिल है इस मुकाबले में, क्योंकि मैंने चश्मा ही नहीं पहना, मेरी नजर तो दूर की कमजोर है। Let's have a look. अब जाके स्कोर देखना है, मगर अगर हार गए तो सीधा बोल देंगे चश्मा भूल गए थे, बात खत्म। अगर जीते तो बस मैं बोलूंगा देखा भाई साहब, बिना चश्मे के भी छेद दिया। मेरे ऑरेंज में ज्यादा है स्कोर, ओनली स्लाइटली बेटर, क्योंकि मुझे पता था कि राइट लीनिंग है, तो मैंने समवॉट शूटिंग एडजस्ट कर ली थी। तो जी, ये तो आपको बेसिक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर जो साइड्स होती हैं आपको अलाइन करती हैं, इनको साइड्स बोलते हैं। बेसिकली जो रेड वाला ये होता है, इसको आपको आगे ग्रीन वाले के साथ मैच करना होता है। बट ये तो फिर भी आसान काम है, क्योंकि जब आप हाथ में गन पकड़ते हैं ना, तो गन हिलती है तो फोकस हिलता है। बट ये तीनों चीज़ें अगर आपकी एक ही लाइन में हों, और गन जो है प्रेशर वगैरह ठीक है, आप रेंज में है, तो बिल्कुल डॉट सेंटर में टारगेट कर जाएगी। और इनका ही सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है शूटिंग में, इसके अलावा फिर स्कोप है। हाँ तो यार, इसमें ना बुलेट्स हमारी राइट में जा रही है ना थोड़ी, इसमें ये एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है, इससे ऊपर नीचे होगा ये चीज़, और इससे ये रेड मार्कर है, ये लेफ्ट राइट होंगे। ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट कर लूँ थोड़ा सा, इसको मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बुलेट्स हमारी राइट में जा रही हैं, इसको मैं 3 marks लेफ्ट में कर रहा हूँ। बट असली मजा तो फिर स्कोप के साथ ही आएगा, फिर GTA 5 वाली फील तो उसी से मिल पाएगी, और किससे मिलेगी। लगाओ फिर स्कोप सेट करें, क्योंकि बेयर निशानेबाजी तो हो गई। और ये सारा सामान तो इसके साथ ही मिला, लगाने का पेच वेच, और साथ में एक अलंकी भी मिली है। अलंकी एक्चुअली हमारा PN बोला करता था बड़े प्यार से, वैसे इसको एलनकी कहते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है ना। एलनकी या एलनकी? ALLEN अच्छा, मैं तो LN बोलता था, मैं भी गलत। वो तो इंडिया में ऐसे ही बोलते ना, अलंकी दे दे अलंकी, क्योंकि ये इंग्लिश के वो शब्द हैं जो हमने सुन के सीखे हैं, पढ़ के नहीं। जैसे कि बचपन में बोला करते थे ना हैंड पंप मोबलैल मोबे ऑयल को, तो इसलिए बस वही है। Oh,
बाकी मच्छर सानू बथेरे वड़ रहे हैं थे, मगर हम इंस्टाग्राम पे भी ना, अगर आपने ये देखनी है छर्रेबाजी के हमारे कंपटीशन और जो बीच बीच में हम चुल करते रहते हैं, तो प्लीज दोनों के आईडीज यहाँ पे मेंशन है, यू कैन फॉलो बोथ ऑफ अस ऑन इंस्टाग्राम, द ट्रैवलिंग देसी एंड निक बथेजा। तो अभी जी हमने सोचा थोड़ा कुछ मजे वाला काम, कैन ले आए हैं फुल हिला डुला के ना, इनको इधर टांग देना है, तो उसके बाद अपना दाएं दाएं शुरू कर देंगे। तो जी बेसिकली जब स्कोप को सेट करना होता है ना साइड्स की तरह, तो यही इसके दो स्क्रू टाइप हैं, इनको जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर पेच कस के इसकी भी सेटिंग ऊपर नीचे की हो जाती है। ये हमने फुल्ली सेट कर लिया है, बट अब क्वेश्चन ये कि क्या आप हिंदुस्तान में ऐसे खिलौने खरीद सकते हैं कि नहीं, तो जवाब हाँ में है, बट कुछ कंडीशन के साथ। अब ये 0.22 कैलिबर का छर्रा इसके अंदर डलता है, यानी 5.5 mm, इंडिया में सिर्फ 0.177 चल सकता है, जो कि इससे हल्का भी होता है और छोटा भी, 4.5 mm, और अगर वो छर्रा हो तो आपकी बंदूक अप टू 20 जूल्स की अगर पावर प्रोड्यूस करती हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका डैमेज कम होता है। अब ये है 500 फीट पर सेकेंड। अब फीट पर सेकेंड और जूल्स में आपको थोड़ा सा समझा दूं, अगर बेसिकली छर्रा आपका 0.177 है तो आप इससे डबल वेलोसिटी यानी तकरीबन 1000 फीट पर सेकेंड की गन इंडिया में खरीद सकते हैं लीगली विदाउट एनी परमिट बींग रिक्वायर्ड, बट छर्रा अगैन 0.177 ही होना चाहिए। तो जी चिथड़े तोड़ गए हैं, एज यू माइट हैव सीन, सम्मान के बाकी हमने थोड़े मजे वजे भी ले लिए और सेफ्टी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है, आपको भी रखना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज पैरामाउंट, वो चाहे आपकी हो या फिर एनवायरमेंटल। और मेन चीज़ ये कि रूल्स और रेगुलेशन जो मैंने बताए, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो कल को आगे जाके या इवन नाउ दे माइट चेंज, दे कीप चेंजिंग ऑल द टाइम, इसलिए बी श्योर कि आपको लोकल रेगुलेशन पता हो ताकि आप किसी बसूड़ी में ना पड़ जाए। ये हॉल हो गया, बाकी जी हम हंटिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ टारगेट प्रैक्टिस करते हैं घर पे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हंटिंग नहीं करते, गन्स का आइडिया इज नॉट ऑलवेज हंटिंग, इट इज टारगेट प्रैक्टिसिंग एज वेल। बाकी वीडियो अगर ये वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आगे मैं एक एक्चुअली पूरी प्रॉपर फॉर्मल शूटिंग रेंज टाइप हम सेटअप बनाने का यहाँ पे सोच रहे हैं, क्योंकि आगे मम्मी ने यहीं आना है, भाई ने भी आना है, और हमने कुछ एक्सप्लोसिव टारगेट्स प्लान किए हुए हैं जिनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए, जिसमें चिंगारियां आग वाग भी निकलती है और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें। और इन सब वीडियोस के टाइम अपडेट्स के लिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, चैनल को सपोर्ट उसी से मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग।